भाईजान सलमान खान की फिल्म जब फ्लॉप हो जाती है तो भाईजान क्या ही करते हैं, चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवी अड्डा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई इस फिल्म ने जिस तरीके का बिजनेस मेकर्स को अपेक्षित था वैसा बिजनेस तो नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, पर फिर भी इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है OTT प्लेटफॉर्म ZEEPLEX पर, क्योंकि 4.2 मिलियन व्यूज ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं इस फिल्म के पहले ही दिन के अंदर। दोस्तों, आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान से जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने कहा कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो मैं सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर इसी चीज़ पर ध्यान देता हूँ कि किस तरीके से मैं इस पर और मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे यंग जनरेशन में एक्टर्स हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, आयुष शर्मा, वरुण धवन, रणवीर सिंह, और इनके साथ अगर मुझे टक्कर में रहना है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने काम को 9-to-5 जॉब नहीं समझता हूँ, मैं 24/7 यानी 2400 घंटे काम करने के लिए भी रेडी होता हूँ, और इसलिए मेरा हार्डवर्क जो है वो ज़रूर सराहाया जाता है दर्शकों द्वारा। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत हार्डवर्क के साथ राधे और मोस्ट वांटेड भाई ये फिल्म भी बनाई है उन्होंने। अंतिम इस फिल्म की शूटिंग हो चुकी है और ये फिल्म भी जल्द ही रिलीज़ होगी, और भाईजान सलमान खान अब शूट करने चले हैं कभी ईद कभी दिवाली। भाईजान सलमान खान ने हर फिल्म में अपना बेस्ट तो दिया ही है, पर आपको कौन सी फिल्म है उनकी जो बेहद पसंद आई है वो बताइए कमेंट करके इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।